शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 31। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 31। पलिश्ती तो इसराइलियों से लड़े और इसराइली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गए और पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातन अबिनादाब मलकिश को मार डाला और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोगते, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोगते और मेरी ठट्टा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यो शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यह देखकर कि इसराइली पुरुष भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई की परली ओर वाले और यर्दन के पार रहने वाले भी इसराइली मनुष्य अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके तीनों पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिए और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवालयों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। तब उन्होंने उसके हथियार तो अश्तोरेत नाम देवियों के मंदिर में रखे और उसकी लोथ बेतशान की शहरपनाह में जड़ दी। जब गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और रातोंरात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों की लोथे बेतशान की शहरपनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दी। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया।